हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। अपन आज एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 32। ओके, तो क्या दिया हुआ है सवाल में देखता हूँ मैं। पहले क्या बोला है कि एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि लेट से ये अपना एक ग्राउंड है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये अपना ग्राउंड है। ये सीधा बनाते हैं, ये अपना ग्राउंड है। और एक बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल में ये बना है, ठीक है। अब देखो इसका पाथ कुछ इस प्रकार का होगा, ये ठीक है, और ये जो हाइट दी हुई है इस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक की, वो हाइट अपने को सवाल में याद दे रखी है, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। अब ये तो हो गया सवाल, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। बहुत ही सिंपल है यार ये तो। पार्ट ए में बोला है कि फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो देखो यार, अपने को पता है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मोशन को इंडिपेंडेंट माना जाता है। वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फिर से बोल रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में अगर अपन एक्स डायरेक्शन की बात को छोड़ दें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सिंपली एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अंडर रूट 2h/g, ठीक। ध्यान रखना मैं सिर्फ और सिर्फ y को कंसिडर करके सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही करते हैं, ठीक है। x वाले को भूल जाते हैं जब y की बात करते हैं, तो x y डायरेक्शन में तो उसकी कोई वेलोसिटी है ही नहीं शुरू में। तो y डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो इट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो 2 × h/ क्या हो जाएगा, 10 g, है ना भाई। तो ये कितना हो गया, √20। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। क्या बोला है इसमें, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। बोला है कि ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, जिसको अपन लेट से डी है, ये दूरी निकालने के लिए बोला है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, अपने को पूछा है डी, सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे भाई, सिंपली स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अपन, 20 × टाइम कितना है अपने पास, 20। तो कितना हो जाएगा ये, 20√20, ठीक है। और ये मीटर में आएगा, मैं डबल ही लिख दिया बेसिकली, सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व वॉल्व कर लेना, आप लोगों का काम है ये सब, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, अब सही किया उन्होंने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल्स, हाँ बिल्कुल सही किया हूँ। और ये जो पहले पार्ट का आंसर है वो सेकंड में आएगा, ठीक है। अब देखो सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वेलोसिटी की बात की है, यानी कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों की बात की है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जूम किया, देखो फाइनली क्या हो रहा है कि ये कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये तो भाई सिंपली सी बात है, 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसको निकालना अपना टास्क है, यानी कि इस वाले कंपोनेंट को, इस वाले कंपोनेंट को, ठीक है। तो निकालने का ट्राई करते हैं अपन, कैसे करेंगे। क्या करना है सुनना, फिर से वही बात है, वाई डायरेक्शन का मोशन एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो क्या आएगा, वाई डायरेक्शन में सिंपली इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपली अंडर रूट 2g h। तो v बराबर सिंपली अंडर रूट वी वाई लिख लेता हूँ, 2 × g × h, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 × 10 × हाइट कितनी है, 100। तो ये हो गया अंडर रूट 2000, ठीक है। अब
ये तो भैया वी वाया है, लेकिन अपने को पूछा क्या है, ये जो नेट कंपोनेंट वी है इसके वैल्यू पूछा है। तो वी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी एक्स वाली और वाई वाली का स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट लगा दिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2000 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2000 ही बनेगा, ठीक है। और 20 का स्क्वायर क्या बनेगा, 400 बनेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, ये आएगा अंडर रूट 2400, ठीक। तो ये अपना आंसर हो गया, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन अब क्या बोला है, डायरेक्शन में निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए मैं काम करता हूँ, अब आई कैप जे कैप में आंसर नहीं दिया है पीछे में, पीछे थीटा ये एंगल निकाल रखा है, इस थीटा को कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो इस थीटा को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखना। इस ट्राइंगल को मैं बना रहा हूँ, ये जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर है, ये उसका एक्स कंपोनेंट और ये उसका वाई कंपोनेंट। ये कितना निकाले अपन अभी सॉल्व करके, अंडर रूट 2000 निकाले, ठीक है। और ये 20 है, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना लिया मैं, ठीक है। इस वैल्यू को थीटा ले रहा हूँ, इस एंगल को, दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, दी मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच का एंगल थीटा। तो टैन थीटा सिंपली क्या दिख रहा है आप लोगों को, सिंपली हो जाएगा टैन थीटा बराबर अंडर रूट क्या, ये वाली हाइट अपॉन ये वाला बेस। तो अंडर रूट 2000 अपॉन क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा, इन द सेंस जो भी आएगी फिर उसको अपन क्या कर लेंगे, टैन इन्वर्स लगा लेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, थीटा जो है पीछे आंसर दे रखा है वैसे तो 66 डिग्री के आसपास आएगा। अब वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 66 के आसपास आ गई तो भी सही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 9 पॉइंट लेने से आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, पर अपन तो 10 10 ले रखे हैं, ठीक है। मतलब जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने से आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है, 10 लेने से अप्रॉक्सीमेट आ सकता है। तो ऐसे और में थोड़ा बहुत चलता है इतना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बाय बाय।